हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को लेकर के है। और एक्सेल के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम डी काउंट फॉर्मूले का यूज करें। अब उसके लिए मेरे पास एक डेटा है जिसमें एक ही प्रोडक्ट कई बार रिपीट हुए हैं। अब जैसे देख सकते हैं, यहाँ पे कीबोर्ड एक बार रिपीट हुआ, दूसरी बार हुआ, फिर यहाँ तीसरी बार हुआ और फिर यहाँ चौथी बार, यानी कीबोर्ड कुल मिला के चार बार हुआ। इसी तरीके से माउस भी है, लैपटॉप भी है, डेस्कटॉप भी है। ठीक है, मैं यहाँ पर भी एक बार और डेस्कटॉप लिख देता हूँ, तो ये हो गया डेस्कटॉप कई बार है। ठीक है, तो ये काउंट करके बताएगा कि कितनी जगह डेस्कटॉप की बात आई है या लैपटॉप की बात आई है, कितनी जगह, वो जगह काउंट करके बताएगा। जैसे कीबोर्ड है ना, तो एक जगह आया, दो जगह आया, तीन जगह आया और चार जगह आया, तो ये बताएगा कीबोर्ड कितनी जगह आया, चार जगह आया, डी काउंट ये बताता है। ठीक है ना, आइए देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पे लिखा इज इक्वल टू, फिर लिखा डी काउंट, और डी काउंट लगाने के बाद क्या करना है आपको, ये पूरा डेटाबेस सेलेक्ट कर जाना विथ हेडिंग। ठीक है, ये पूरा ही हेडिंग के साथ सेलेक्ट कीजिएगा, कॉमा लगाइएगा, और हम बात कर रहे हैं यूनिट की, तो यूनिट को सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे कह रहा है क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया में क्या डालेंगे, तो क्राइटेरिया में यही दोनों उठा के सेलेक्ट कर लेंगे। हो गया, ब्रैकेट को क्लोज कीजिए, एंटर करिए। लिख रहा है कि डेस्कटॉप पांच जगह आया है, चलिए चेक करते हैं ट्रुथ क्या है। तो ये पहली जगह, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ एक डिफरेंट कलर से। फिर यहाँ पे देखिए, ये दूसरी जगह डेस्कटॉप आया, तो इसी को सेम कलर से हाईलाइट कर देता हूँ। फिर ये तीसरी जगह आया, तो इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ। फिर ये चौथी जगह आया, तो इसे भी हाईलाइट किया, और फिर ये पांचवी जगह आया, तो इसे भी हाईलाइट कर दिया। देखिए, ये पांच जगह डेस्कटॉप आया हुआ है और मैंने पांचवी जगह आपको दिखाया। तो मान लीजिए डेस्कटॉप का नहीं पता करना था, लैपटॉप का पता करना था, तो यहाँ पे एल ए पी टी ओ पी लैपटॉप कर दिया, और जैसे ही लैपटॉप करेंगे तो यहाँ थ्री आ गया। देखिए कैसे, यहाँ पे देखिए, ये पहली जगह लैपटॉप आया है, ये पहला लैपटॉप हो गया। ठीक है, और फिर देखिए यहाँ पर ये दूसरी बार लैपटॉप आया, ठीक है, और फिर ये देखिए तीसरी बार लैपटॉप आया, तो कुल मिलाकर तीन ही जगह तो लैपटॉप आया है, नीचे तो अब है ही नहीं लैपटॉप। तो ये इस तरीके से बताता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी कि ये डी काउंट कैसे काम करता है। ठीक है ना, ओके।